अभी मैं बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम आईडी में अपने लिंक को किस तरह से कॉपी कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल के लिंक को किस तरह से कॉपी कर सकते हैं। अभी मैं आपको लिंक कॉपी करने का दो तरीका बताने वाला हूं। पहला तरीका होगा, इस एप्लीकेशन से ही आप अपने फ्रेंड का या अपना आप लिंक को निकाल सकते हैं, या नहीं तो दूसरा एक तरीका है, आपको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पे आप जाकर अपना प्रोफाइल का लिंक को कॉपी कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने दोनों तरीका को आपके सामने अप्लाई करके दूंगा और मैं अपना खुद आप अभी लिंक को कॉपी करके दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो पहला तरीका आता है, आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना होगा। तो उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप इस एप्लीकेशन से आप अपना अकाउंट का लिंक को कॉपी नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता होगा तो उसे आप बोलिए कि आपका लिंक को कॉपी करके आपको सेंड कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने एक फ्रेंड का लिंक को कॉपी कर लेता, जैसे कि मेरा यह फ्रेंड है, तो मैं इसका प्रोफाइल ओपन किया और यहाँ पर आपको इस 3 डॉट पर जाना है, ऊपर में आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको देखिए 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, शेयर दिस प्रोफाइल और कॉपी प्रोफाइल URL। तो आपको यहाँ पे कॉपी प्रोफाइल में कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा मैंने इस फ्रेंड का लिंक को कॉपी कर लिया, अब मैं उसे सेंड कर दूंगा तो उसका प्रोफाइल लिंक बन जाएगा। तो अब आपको चलना है दूसरा तरीका, मैं बता देता हूँ। तो आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है Instagram.com। मैंने यहाँ पे सिंपली सर्च कर लिया, यहाँ पे मेरा पेज लोडिंग ले रहा है और यहाँ पे देखिए मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली अपना जिस भी अकाउंट का आप लिंक को कॉपी करना चाहते हैं उसे आप लॉगिन करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपने लिंक मतलब यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर कर दिया हूँ। अब यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन इन में जाना है और लॉगिन इन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट अब ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, सेव इन्फो या नोट नाउ। तो मैं यहाँ पे अपने पासवर्ड को सेव नहीं करूँगा, तो मैं नोट नाउ पे ऑप्शन पे टैप कर दिया और यहाँ भी मैं नेवर कर दिया। तो यहाँ पे सिंपली हो चुका है और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन किया हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाना है और प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपका प्रोफाइल यहाँ पे खुल रहा होगा, जैसा कि आप मेरा देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे खुल रहा है। मेरा इंटरनेट स्पीड के कारण, जैसा आपका इंटरनेट स्पीड रहेगा उस तरह से आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खुल चुका है। अब आपको ऊपर सिंपली आपको टैप करना है और टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा शेयर का और यहाँ पे कॉपी का। तो सिंपली आप कॉपी कर लेंगे कॉपी, तो आप इस तरह से अपने आप इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक को कॉपी कर सकते हैं, जो कि लिंक कॉपी करना बहुत ही आसान है। उसके बाद सिंपली आप यहां पे जाएंगे इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन में, उसके बाद अपने अकाउंट को लॉग आउट भी कर सकते हैं। आप यहां पे ऊपर सेटिंग मिलेगा और सेटिंग में जाने के बाद यहां पे नीचे आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको यहां पे लॉग आउट कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट यहां पे क्रोम ब्राउज़र से लॉग आउट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, जो कि आपने देखा कि कितना आसान तरीका है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक को कॉपी करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।